हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इन तमाम सिचुएशन को आगे लेकर बढ़ती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में भी जब कयाम पजीर से वहां पर भी तफसीली मुलाकातें हुई, मुशावरत हुई, लेकिन चूंकि पाकिस्तान वापस आने पर अब तमाम जो उनके उनके कैबिनेट के सबक मेंबरान हैं वो भी सारे मौजूद होंगे और वज़ीर-ए-आज़म सबक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इन तमाम इजलासों में आइंदा की जो स्ट्रेटेजी है उसके हवाले से अपना जो है वो लाइअमल तैयार करेंगे। अदालतों में जो केसेस लगे हुए हैं, सबसे अहम जो जो एजेंडा होगा इन मुलाकातों का वो यही होगा कि किस तरह से जो एहतसाब अदालत के सामने जो रेफरेंसेस का सामना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को, वो उसके हिसाब से उनको वो काउंटर करेंगे। तो आज ओवरऑल जो सारी सरगर्मियों का मैवर होगा वो पंजाब हाउस है और पंजाब हाउस के अंदर जो मुलाकातें हैं सबक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो भी यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इस वक्त एयरपोर्ट की अगर सिचुएशन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जितना भी रश था वो तकरीबन अब लोग जो कारकुन एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे वो यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं और चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ही बाहर निकले उनको उनके जो स्क्वाड था उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ से एग्जिट करवाया और पंजाब हाउस की जानिब जो है उनको लेकर चले गए। खास सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जो नॉर्मल जो फ्लाइट थी आज जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट हैं उनके शेड्यूल तो मुतासर नहीं हुए, ताहम जो जो अपने अजीज वकारब को लेने के लिए लोग आए हुए थे उनको मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जो मामूल से ज्यादा रश था, जो एंट्री पॉइंट थे उनके ऊपर लंबी गाड़ियों की कतारें मौजूद रही और जिसके बायस एयरपोर्ट तक एक्सेस करने में खासा जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ताहम यहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे थोड़ी देर पहले जो है पंजाब हाउस के लिए यहाँ से रवाना हो गए। अब से कुछ देर कबल वो रवाना हो चुके और अब से कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे पंजाब हाउस और पंजाब हाउस में इस वक्त मौजूद है आज न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट राना तारिक। राना तारिक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त आप वहाँ पर देख रहे हैं उनके इस्तकबाल के हवाले से और क्या सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम हैं? जी बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इस वक्त पंजाब हाउस अपने काफिले के अपने साथियों के हमरा पंजाब हाउस इस वक्त पहुंच चुके हैं। हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है इस वक्त पंजाब हाउस में पहुँच चुके हैं। दो रास्ते अपनाए गए थे पंजाब हाउस के लिए, उनके लिए सिक्योरिटी मुतय्यन की गई थी। एक तो मरगला रोड से उनको पंजाब हाउस से एंटर करना था, दूसरा जजीज इंक्लेव की तरफ से जो है मेरिट के सामने जो रास्ता है जो पंजाब हाउस को आता है वहाँ से एंटर करना था। तो अभी कुछ ही देर पहले जो है वो मेरिट के रास्ते से होते हुए पंजाब हाउस में मियां नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं और अपने साथियों के हमरा पहुँच सिक्योरिटी के बहुत सख्त तरीन इंतजाम किए थे गए थे मरगला रोड पे भी और मेरिट की तरफ भी, और पुलिस की चाको चौबंद दस्ते जो है यहाँ पर तैनात किए गए थे। ट्रैफिक फ्लो जो है क्योंकि जो वो होता है वो नहीं था क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट थी, वीवीआईपी मूवमेंट ठीक है। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। राना तारिक, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए, आपको यहाँ आम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ अपने जाती स्क्वाड के हमरा पंजाब हाउस पहुंचे हैं। आपको आज की इस आम खबर से अपडेट, एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ अपने जाती स्क्वाड के हमरा पहुंचे हैं जहां पर एक मशावरती इजलास भी मुतवक्के है। नून लीगी रहनुमा और वज़रा से वो मुलाकातें करेंगे और कल का लाहे अमल तय किया जाएगा, कानूनी मशावरत भी की जाएगी जबकि उनकी लीगल एक्सपर्ट टीम जो है वो भी पंजाब हाउस में मौजूद होगी उनकी मदद के लिए, उनको गाइड करने के लिए। इस वक्त आपको हम अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं, पंजाब हाउस जहां पे आज सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ होंगी मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पार्टी लीडरशिप की मुशावरत जो इससे पहले कुछ तनाजात सुनने को मिले और काफ़ी हद तक वो तय भी पा गए थे लेकिन बदस्तूर इसके ऊपर जो है वो जो है बात हो सकती है और साथ ही साथ जो कानूनी मामलात हैं जो कि इस वक्त नैब रेफरेंसेस के हवाले से एहतसाब अदालत में हैं उसके हवाले से भी मजीद पेशरफ्त होगी,
हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। कल नवाज शरीफ साहब को तलब कर रखा है, उनकी समाअत है, उनका केस कल की अदालत में लगा हुआ है। और नवाज शरीफ जो कि एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं, अपने रफ़का की बड़ी तादाद उनके साथ वहाँ पर मौजूद है। पंजाब हाउस वो अपने ज़ाती स्कॉट के साथ पहुँचे हैं। राना तारिक इस वक्त हमें अपडेट करेंगे। जी क्या मनाजिर देख रहे हैं राना तारिक आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मुस्लिम लीग की रहनुमाओं में उनके जो साथ जो एयरपोर्ट लेने गए थे वो भी मियां नवाज शरीफ के साथ पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं। उससे पहले जब मियां नवाज शरीफ की पंजाब हाउस पहुंचने से पहले सिर्फ वजीर मुमलिकत का दाखिला जो है तलाल चौधरी वो पंजाब हाउस पहुंचे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखे, पुलिस एहलकारों से मुलाकात की, और जो पंजाब हाउस में पुलिस एहलकार तैनात थे उनसे मुलाकात की। अब वो पंजाब हाउस में ही है। अभी हमें हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि 11 बजे जो है मियां नवाज शरीफ मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले उनकी वकला टीम जो है वो उनसे मुलाकात करेगी। ख्वाजा हारिस हैं, उनके साथी असिस्टेंट वकील हैं, वो इस केस के हवाले से कल की पेशी के हवाले से लाया अमल तय किया जाएगा। क्या करना है, क्या मामलात है, जो भी लीगल मुशावरत है वो की जाएगी। उसके बाद मुस्लिम लीग की रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। और इस वक्त जो है 11 बजे का टाइम दिया गया है पंजाब हाउस में, और लीगी रहनुमा जो है जो कुछ एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने गए थे वो तो साथ आए हैं। इसके अलावा तलाल चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं, और 11 बजे के बाद जो है लीगी रहनुमाओं का जो आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा उनके साथ। ठीक है राना तारिक, लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि पंजाब हाउस के इजराफ में आप कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं, कोई नारेबाजी भी हो रही है या नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, आज डिफरेंट मनाजर है। कोई किसी कारकुन को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। अच्छा। और ना ही कोई कारकुन यहाँ पर पहुँचा है, ना ही मियां नवाज शरीफ ने हदायत की कोई कारकुन पहुंचे। कल उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ परमानी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक रिलीज जारी की गई थी कि मियां नवाज शरीफ के ने सख्ती से हदायत की हैं कि कोई कारकुन जो है ना एयरपोर्ट पर पहुँचे और ना ही पंजाब हाउस पहुँचे। और इसी तरह हुआ है, उस तमाम SOPs को फॉलो किया गया है कि कोई कारकुन जो है वो पंजाब हाउस में कुछ नहीं आया। सिर्फ लीगी रहनुमा है जो एयरपोर्ट मियां नवाज शरीफ को रिसीव करने गए थे वो उनके साथ आए हैं। और उससे पहले जो है पंजाब हाउस में एक ही लीगी रहनुमा जो है वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि तमाम लीगी रहनुमाओं को जो टाइम दिया गया है वो 11 बजे का टाइम दिया गया है। 11 बजे तमाम लीगी रहनुमा यहाँ पहुँचेंगे, उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। लीगी रहनुमाओं से मुलाकातों से पहले जो है वो अपनी वकला टीम से, अपनी लीगल टीम से जरूर मुलाकात करेंगे, उनसे मशावरत करेंगे, उनको ब्रीफ किया जाएगा कल की पेशी के हवाले से, कल के केस के हवाले से। आज जो मशावरत इजलास होने जा रहा है उसमें जो ब्रीफिंग दी जाएगी उसमें कौन कौन से मुद्दे होंगे? जी बिल्कुल, आज जो सबसे अहम ब्रीफिंग जो दी जाएगी उनको उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस, जो पनामा केस में भी मियां नवाज शरीफ की तरफ से वकालत करते रहे हैं, कुछ उनके उनकी तरफ से पेश हुए हैं, और एहतसाब अदालत में भी उनकी तरफ से मुसलसल पेश हो रहे हैं और केस फाइट कर रहे हैं। वो अपनी वकला टीम के हमरा जो है वो तमाम तरह कानूनी निकात और मशावरत करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अहम इजलास भी मतवक़ है, क्योंकि तमाम लीडरशिप जो अहम लंदन में जमा थी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी लंदन गए थे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी लंदन गए थे, अहम मशावरत हुई है उनकी। और उस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को उस लंदन की जो मशावरत हुई है उस पर एतमाद में लेंगे, जो फैसले किए गए हैं उस पर भी एतमाद में लेंगे। और कभी इम्कान के इम्कान, ये हमें ज़राए ने बताया है कि चौधरी खान जो सबक वजीर दाखिला है वो भी कुछ ही देर के बाद जो है पंजाब हाउस पहुंच जाएंगे और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आपने आपने कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के पहुंचने का भी इम्कान है, तो साथ ही साथ कुछ खबरें हैं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो आज के मुशावरत में शरीक होंगे? जी बिल्कुल, अभी हमारे राय ने ये कन्फर्म नहीं किया कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो इस इजलास में पहुंचेंगे। तमाम अभी हम ये भी ब्रेकिंग अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि इस वक्त डॉक्टर सारद फजल चौधरी जो है वो भी पंजाब हाउस वक्त पहुँच चुके हैं, और उनके साथ लीगी MNA है मियां जावेद लतीफ, वो भी इस वक्त पंजाब हाउस उनके साथ पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ ये हम बताते चलूँ अपने नाज़रीन को कि ब्रीफिंग जो है वो वकला की तरफ से दी जाएगी, जबकि ओवरऑल मशावरत जो है वो सियासी अमूर पर जो है पार्लिमानी अमूर पर वो मशावरत लीगी रहनुमाओं से की जाएगी। और जो लंदन इजलास में फैसले किए गए हैं
उस पर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। जी ठीक है, लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। राना तारिक आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। इस वक्त आज न्यूज़ की स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब हाउस में पहुंच गए हैं। वो वहां पर मौजूद हैं जहां पर नून लीगी वज़रा की आमद का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि आज भी एक अहम इजलास किया जाएगा, अहम जो है मशावरती इजलास होगा जिसमें अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। पार्टी सदारत के हवाले से भी बात होगी, कल क्या स्टांस रखना है उस हवाले से भी बात होगी, और दीगर लीगी वज़रा जो है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रहे हैं। 11 बजे के करीब ये मुशावरती इजलास शुरू होगा जिसमें अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। और इस वक्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो भी पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं, दीगर लीगी उजरा भी वहां पर मौजूद हैं। ओवरऑल अगर आज सुबह से सूरत हाल की बात की जाए तो सूरत हाल बड़ी कंट्रोल है, किसी किस्म की कोई बदनस्बी देखने में नहीं आई। कारकुनों की तादाद जो है वो बहुत कम थी, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि नून लीग की जानब से कारकुनों को मदू नहीं किया गया है और इस हवाले से उनको दूर रखा गया है, इसलिए पंजाब हाउस के इतराफ भी कारकुनान की तादाद ना होने के बराबर है। जबकि एयरपोर्ट पर भी चंद कारकुनान जमा हुए थे जो कि नारेबाजी कर रहे थे। 10 रुकनी टीम भी वहां पर मौजूद थी, और साथ साथ आपको बताएं कि अच्छे खासे बड़े स्क्वाड के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, अपने जाती स्क्वाड के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे हैं। वो कितने दिन यहां पर कयाम करेंगे और फिर अगला लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मौजूद हैं जहाँ पर वो अहम मशावरती इजलास करेंगे, अहम फैसले मुतवक्के हैं। कानूनी टीम भी वहाँ पर मौजूद होगी, लीगल एक्सपर्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, और फिर देखना यह है कि अब ख्वाजा हारिस कल के लिए क्या कानूनी तैयारियां करके जाएंगे। 11 बजे मशावरती इजलास शुरू होगा, 11 बजे पहले उनकी मुलाकात जिस वक्त शेड्यूल है वो वुकला टीम से है, जो कि कल जो नैब रेफरेंसेस में उनके जो केसेस हैं एहतसाब अदालत में, उसके हवाले से उनको ब्रीफ करेंगे, और कल क्या स्टांस रखना है, क्या हिकमत अमली तय करनी है, इसके ऊपर हवाले से बात होगी। फिर उसके बाद एक पूरा दिन है और तवील सिलसिला होगा पार्टी उमूर के हवाले से, आगे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं उनके हवाले से, और इसमें अहम मुलाकातें जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी निसार भी आपसे थोड़ी देर में जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी आज के जो इजलास हैं पार्टी रफका से उसमें चौधरी निसार साहब भी मौजूद होंगे। और आज इंतहाई गैमा गैमी जो है वो मुतवक्का है, इंतहाई जो इस वक्त सूरत हाल होगी, जो वहाँ पर मुशावरत होगी, बहुत मरकज़ होगा पंजाब हाउस, और सियासी गैमा गैमी जो है वो काफ़ी मुतवक्का है इस वक्त। जी बिल्कुल, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब हाउस में मौजूद हैं जहां अहम मशावरती इजलास में मुतवक्के हैं। वो तमाम अपने लीगी वज़रा से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले वो अपने लीगल टीम से मिलेंगे और फिर वो उनसे कानूनी पेचीदगियों के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। अभी अगर बात करें तो राना तारिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि पंजाब हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी राना तारिक, क्या ताज़ा तरीन मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब हाउस में बिल्कुल पुरअमन माहौल है, कारकुन ना होने के बराबर हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और उनके जो बाकी वज़रा जो उनको रिसीव करने गए थे पंजाब हाउस, वो भी उनके खानवाले के हमरा पंजाब हाउस पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो भी पंजाब हाउस पहुँच चुके हैं, उससे पहले वज़ीर मुमल्लकत दाखिला तलाल चौधरी हैं वो भी पंजाब हाउस पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर के लिए वो मियां नवाज शरीफ जो है वो आराम करेंगे, और 11 बजे का टाइम दिया गया है अपनी वुकला टीम को, उन्होंने और उससे पहले वो वुकला टीम से मशावरत करेंगे और कल की ब्रीफिंग ली जाएगी कि कल किस तरह जो है केस को पुटअप करना है, किस तरह पेश होना है, क्या लाए अमल अपनाया जाएगा एहतसाब अदालत में पेशी के हवाले से। उसके बाद तमाम लीगी रहनुमाओं को जो है वो मदऊ किया गया है, उनसे मशावरत की जाएगी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और पार्लिमानी अमूर जो है वो जेरे बहस लाए जाएंगे। कल आज जो कौमी असेंबली का इजलास है, इस अच्छा राना तारिक, पार्टी सदारत के हवाले से भी कुछ तहफ्फुज़ात थे, क्या उस पर भी बात होगी आज के इजलास में? जी बिल्कुल, ये लंदन में जो मशावरती इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आला पंजाब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कह दिया है कि पार्टी मियाँ नवाज शरीफ ही रहेंगे, कोई उनका अल्टरनेट नहीं आएगा, और ना ही हम पार्टी सदारत के लिए किसी और को ला रहे हैं। आईनी और कानूनी जो मामला थे वो तय कर लिए गए हैं, एक इलेक्शन बिल जो है उसके जरिए जो है वो हमने अपनी जो सदारत के हवाले से जो है वो कानूनी इंडेमनिटी हासिल कर ली है, और पार्टी सदारत की तब्दीली के हवाले से कोई किस्म की कोई दो राय नहीं है। जो भी फैसला हो चुका है, मियाँ नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर रहेंगे, ये स्टेटमेंट वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने
लंदन इजलास के बाद दी थी और अभी तक वही मामला चल रहे हैं। कोई तब्दीली के इम्कान नहीं है, कोई -1 या -2 का जो फार्मूला जो बातचीत कर रही सुनाई दे रही है हमें, कुछ कोई -1 और -2 का फार्मूला जो है वो मेरे पास नहीं है। कैटेगरी के लिए कह चुके हैं वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ के, पार्टी के जो कायद हैं वो नवाज शरीफ ही रहेंगे। ओवरऑल ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करें हमारे नुमाइंदे राणा तारिक हमें अपडेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पंजाब हाउस में मियां नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं, लीगी वज़रा भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, 11 बजे अहम मुशावरती इजलास शुरू हो जाएगा। राणा तारिक आज जो शेड्यूल है 11 बजे मुलाकातों का सिलसिला, सबसे पहले उनकी जो लीगल टीम है जिसको ज़ाहिर है कि ख्वाजा हारिस एडवोकेट जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, और कल जो भी रेफरेंसेस में किस तरीके से केस को प्लीड किया जाएगा, किस तरीके से वहाँ पे जो हिकमत अमली होगी उसको लेके चलेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो रफ़का हैं उनके जो अकाबरीन हैं उनसे उनके मुशावरत का सिलसिला चलेगा। चौधरी निसार के हवाले से आप कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में वो भी आज मुतवक्का हैं कि वो भी पहुँचेंगे, तो वकला टीम में से कुछ लोग पहुंचना शुरू हुए हैं अभी या अभी तकरीबन 2 घंटे का वक्त बाकी है? बिल्कुल जी, अभी मियां नवाज शरीफ जो है पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं, जो रुका उनके साथ एयरपोर्ट से आए हैं वो भी पंजाब हाउस में मौजूद हैं। जो मियां नवाज शरीफ के पंजाब हाउस पहुंचने से पहले वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी वो जो पंजाब हाउस पहुंचे थे, अब से कुछ ही देर पहले मियां जावेद लतीफ हैं अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के, वो भी पंजाब हाउस पहुंचे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो वजीर मुमलिकत है वो भी पंजाब हाउस पहुंचे हैं। तमाम लीगी रहनुमाओं को ये हदायत की गई है कि 11 बजे से पहले पंजाब हाउस ना आए, और जो लीगी रहनुमा पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं वो आपस में ही गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी मियां नवाज शरीफ से कोई सीटिंग नहीं हो रही, मियां नवाज शरीफ अपने कमरे में आराम के लिए चले गए हैं। पूरे 11 बजे वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, मुलाकातों के लिए नीचे आएंगे पंजाब हाउस और मुलाकातें करेंगे। सबसे पहले जो मुलाकात होगी उनकी वकला टीम की होगी, और वो साब अदालत में पेशी के हवाले से जो लाअमल है वो अपनाया जाएगा, जो कानूनी निकात है उन पर ब्रीफिंग दी जाएगी, केस के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनका अपील के हवाले से जो केस चल रहा है उसके हवाले से जो उसकी हेयरिंग होगी उसमें वकला जो है क्या मौकफ अपनाएंगे उस हवाले से मियां नवाज शरीफ को ब्रीफ किया जाएगा, और कल की पेशी के हवाले से जो है वो लाअमल अपनाया जाएगा। शाम सियासी रहनुमाओं से जो मुलाकातें हैं वो अपनी वकला टीम से मुलाकात के बाद जो है वो मुलाकात शेड्यूल है, अपने सियासी अपने रुका से अपनी जमात के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी, और उम्मीद है कि ये मैं जराये ने हमें बताया है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें जिनमें JUI से है, इसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान भी मियां नवाज शरीफ से आज पंजाब हाउस में मुलाकात करेंगे, और सबसे अहम जो है पार्लिमानी अमूर भी उस मुलाकात में डिस्कस होंगे, क्योंकि आज कौमी असम्बली के इजलास हो रहा है उसमें हल्का बंदियों के हवाले से एक अहम बिल जो है वो कौमी असम्बली में लाया जा रहा है। इससे पहले पार्लिमानी रहनुमाओं की जो है वो इजलास हुए, उसमें स्पीकर अयाज सादिक ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लिया, और नए हल्का बंदियों के हवाले से जो मशावरती इजलास हुआ है मुस्तकिल तौर पर एक बिल लाया जा रहा है कौमी असम्बली में, इस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। तो तवक्का ये की जा रही है कि जो 2 दिन कबल जो मुलाकात हुई लंदन में जिसमें वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे और वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे, तो उन लोगों के दरमियान जो चीज़ें तय पाई, जो बातचीत हुई, आज जो रेस्ट ऑफ दी मेम्बर्स हैं जो इनके रफ़का हैं उनके साथ उन्हीं चीज़ों का तसलसल जो है वो डिस्कस होगा। राणा तारिक, राणा तारिक से इस वक्त राणा तारिक आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ आपको। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि कयास यही किया जा रहा है जो 2 रोज कबल लंदन में एक सेशन हुआ था जिसमें वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, तो उन मुलाकात में जो चीजें तय पाई थी, जो गाइडलाइन तय पाई थी, आज अकाबरीन से दीगर अकाबरीन से मिलकर उसी का एक तसलसल जो है वो डिस्कस होगा आगे। जी जी बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो लंदन में जो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी गए हैं, वजीर अला पंजाब मियां शहबाज शरीफ गए हैं, उनके खानदान के करीबी जो अजीज हैं वो इस इजलास में बैठे थे, और जो लंदन इजलास में जो फैसले तय पाए हैं इस हवाले से अपने करीबी रुफका को जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं अपनी पार्टी के रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे, उसमें जो भी फैसले हुए हैं
वो उनको एतमाद में लेंगे। इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा कि ये फैसले करने की जरूरत क्यों पेश आई। यही बात जो है वो बाद सुनाई दे रही थी कि -1 और -2 का फार्मूला जो है वो अपनाया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ को माइनस किया जाए और शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए। और ये हमारी सियासी जमातों की तरफ से भी ये बात आ रही थी कि -1 और -2 का फार्मूला जो है, और इस हवाले से इन अफवाहों के हवाले से मियां शहबाज शरीफ जो है वो कैटेगरिकली वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। लंदन में उन्होंने कहा कि कोई -1 और -2 फार्मूला मेरे गौर नहीं है, नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर हैं। राणा साहब से लेते रहेंगे, जाहिर है कि वहां पे आज काफी गहवा गहमी है, लेकिन उससे कबल हम बात करेंगे और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें, एक बड़ी खबर आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ सजात रेफरेंस की समाअत शुरू हो चुकी है। इस वक्त आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आशी न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, बताइए कब से ये समाअत जारी है और कितनी देर तक जारी रहेगी और क्या सूरत हाल है आज? हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। आसिफ नवीद, आज की समाअत के हवाले से बताइए। कुछ नैब अदालत में आज इसहाक कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पर जो है समाअत का आगाज हो चुका है। आज भी जो इसहाक डार है असासाजात रेफरेंस में पेश नहीं हुए अदालत में। उन गुज़श्ता समाअत पर उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने अदालत से सदा की थी कि चूंकि इसहाक डार का तिब्बी मुआयना होना है, 22 अक्टूबर को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जिसके बाद कुछ टेस्ट करवाए गए थे, तहम वो जिस वक्त बैरून मुल्क सरकारी दौरे पर दुशंबे गए जहाँ उन्हें मजीद जो है तिब्बी मुआयने की मशवरा दिया गया था। तिब्बी मायने की गर्ज से वो जो है वो लंदन गए हैं जहाँ पर उनका तिब्बी मायना होगा, लेकिन आइंदा समाअत पर हर सूरत जो है वो अदालत में पेश हो जाएंगे। उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की थी जिसकी नैब प्रोसिक्यूट ने भरपूर मुखालफत की थी और गुज़श्ता समाअत पर भी उनको इस्तिस्ना नहीं दिया गया था। आज भी जो है उनके जो वकील हैं उनकी जाने से कभी मकान वो उनका मेडिकल रिपोर्ट पेश करेंगे और इस्तिस्ना मांगा जाएगा, क्योंकि आज जो ख्वाजा हारिस हैं जो उनके वकील हैं वो भी अदालत में पेश नहीं हुए। तमाम उनकी जो मावन वकील हैं आयशा हामिद वो अदालत पेश हुई है और वो बाकायदा इस केस का दिफा करेंगी। तहम नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी बर वक्त पहुंच गई थी और इस्तगासा के जो गवाहान हैं वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। अब्दुल रहमान जो निजी बैंक के अफसर हैं गुज़श्ता समाअत पर भी आए थे जिनका जुज़वी बयान कलमबंद किया गया था समाअत पर, उन वो दो थैलों में बंद जो है वो शवाहिद लेकर यहाँ पहुँचे थे जिस पर एहतसाब अदालत में मौजूद जो इसहाक डार के वकील थे उन्होंने भरपूर मुखालफत की थी और कहा था कि ये मुतलका रिकॉर्ड ही नहीं है। तहम मुलजिम की अदम मौजूदगी की बिना पर जो समाअत है वो बगैर किसी कार्रवाई के आगे नहीं बढ़ सकी और मुलतवी कर दी गई थी। और गुज़श्ता समाअत पर जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने यकीन दिलाया था अदालत को कि आइंदा समाअत जो भी डेट मुकर्रर की जाएगी उस तारीख पर जो उनके मौकल हैं वो हर सूरत में अदालत में पेश होंगे। तहम अदालत ने उनका हाजिरी से ससना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जो काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और साथ ही साथ जामन को तंबीह की थी कि आप आइंदा समाअत पर